Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all to my YouTube channel, Z King Study. I am Sheikh Zul Islam, teacher of high school channel. Today we are going to discuss about the next topic, that is reforestation. So, reforestation, it is the reverse of reforestation. So, reforestation, we see that indiscriminate cutting down of trees in any forest, in any area, we call it deforestation. And deforestation has a lot of mudr asraat. जीव है इस दुनिया में उन पे मुजर असरात है या जो भी अबायोटिक कंपोनेंट्स है इस इकोसिस्टम के उस पे मुजर असरात है, तो ये हमने देखा है। तो इसी वजह से क्या है कि अभी इस डिफॉरेस्टेशन को क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल कैसे करना है? बाय रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी मखसूस जगह पे हमने प्लांट्स को कट डाउन किया, तो उस मखसूस एरिया में हम क्या करें, वहां पे हम ट्रीज की प्लांटिंग करें। तो हम डिफाइन इसको ऐसे करेंगे, द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज रिफॉरेस्टेशन। यानी कि किसी मखसूस एरिया में दरख्तों का लगाना जो है इसको हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज द रिफॉरेस्टेशन। तो जहां पे हम इन दरख्तों की कटाई करेंगे, तो हम वी विल इंश्योर दैट, हम इस बात का वहां पर ख्याल रखेंगे कि जिन प्लांट्स को हमने काटा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देवदार को काटा, तो हम उन्हीं प्लांट्स को लगाएंगे जो कि ऑफ द सेम स्पीशीज होंगे, जो कि देवदार के प्लांट्स होंगे, ताकि यही प्लांट्स फिर बड़े होकर जो जो इस एरिया में इन प्लांट्स की कमी वाका हो गई उसको ये फुलफिल कर सके। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज मस्ट बी ऑफ द सेम स्पीशीज। तो इसी स्पीशीज के प्लांट्स होने चाहिए, किसी और स्पीशीज के प्लांट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी और स्पीशीज के प्लांट्स को लगाएंगे, वो हो सकता है कि वो प्लांट्स इस जगह पे न उग सके, क्योंकि मुख्तलिफ प्लांट्स जो है मुख्तलिफ सॉयल में उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडी सॉयल है, लोमी सॉयल है, या रॉकी सॉयल है, इस हिसाब से भी प्लांट्स उगते हैं। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि उसी प्लांट्स के स्पीशीज को इस जगह हम लगा दें। तो दूसरा इसमें क्या है कि जितने प्लांट्स हमने कट डाउन किए, जितने प्लांट्स को हमने काटा, अगर हमने 50 को काटा, हमें 50 को लगाना है, हमें 50 ही नहीं 50 से ज्यादा लगाना है। तो हमें इंश्योर करना है कि अगर हमने 50 लगाए हैं तो 50 हम एट, अगर हमें हमने 50 काटे हैं तो 50 एटलीस्ट हम लगाएंगे। तो वी मस्ट इंश्योर दैट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज शुड बी प्लांटेड देयर एज वायर कट डाउन। यानी जितने ट्रीज को काटा गया है उतने ही ट्रीज को लगाने की अशद जरूरत है। जितने ट्रीज हम काटेंगे उतने ही ट्रीज हम वहां पे लगाएंगे, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो जो ये प्लांट्स है, जो ये प्लांट्स है, जो ये ट्रीज है, जो ये फॉरेस्ट है, दीज आर द ग्रीन वेल्थ ऑफ द कंट्री। ये किसी भी मुल्क के लिए सब्ज सोने की कीमत है इनकी। यानी कि ये ग्रीन वेल्थ है, इसका मतलब ये है कि ये एक दौलत है, क्योंकि जो ये प्लांट्स है, प्लांट्स एक्चुअली इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, सॉइल एरोजन को मेंटेन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं फ्लड्स को, या ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक वेल्थ है, ये एक दौलत है। तो यहां ये कहेंगे इट इज द ग्रीन वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो ग्रीन वेल्थ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे कोई ये दौलत शौलत है, ये दौलत है। और ये दौलत किस तरीके है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा फायदे हमें मिलते हैं। तो अब क्या है कि किसी जगह पे ये प्लांट्स जो है ये नेचुरली उग सकते हैं, ये नेचुरली उग सकते हैं, दे कैन ग्रो नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया इफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज अनडिस्टर्ब फॉर वेरियस ईयर्स। अगर हमने किसी एरिया में ट्रीज को कट डाउन किया, अगर हम उस एरिया में फिर से न जाए, काफी सालों तक न जाए, 10-20 सालों तक न जाए, 50 सालों तक न जाए, अगर हम इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वहां पे नेचुरल वेजिटेशन उग सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो रिफॉरेस्टेशन है इट कैन ऑकर नेचुरली इफ दिस सेड एरिया विल बी अनडिस्टर्ब फॉर वेरियस ईयर्स। तो वहां पे क्या है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो है वो उग सकते हैं, अगर हम इस एरिया को अनडिस्टर्ब रखेंगे काफी समय तक। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मैन मेड भी हो सकती है, अगर इंसान इन प्लांट्स को लगाए तो ये मैन मेड
रिफॉरेस्टेशन है, इसमें मैन का एक्टिव रोल है। अगर हम किसी एरिया में हमने प्लांट्स को काटा है, उस एरिया को हम अनडिस्टर्ब रखें काफी समय तक, तो वहां पर जो प्लांट्स है वो खुद ब खुद उग सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेचुरल रिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं। तो इस नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में क्या बात है, इसमें ये बात है कि यहाँ पे इंसान का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, हैव अ नाइस डे।